हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है टू नाइट अपडेट के बारे में, मतलब आज रात को आपको गेम के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। एंड गाइस, साथ ही आपको अपकमिंग मिस्टर शॉप के बारे में बात कराऊंगा। एंड गाइस, अभी जो हमारा नेक्स्ट मतलब इनक्यूबेटर आने वाला है, मतलब M187 का उसका कन्फर्म डेट क्या होने वाला है। एंड गाइस, साथ ही अपना जर्सी नया वाला कब तक आपको गेम के अंदर देखने वाला मिलेगा, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कन्फर्म डेट्स क्या होने वाले वो भी गाइस इस वीडियो में लीक्स करने मतलब जो लीक्स निकल गई है उस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना मत। एंड गाइस, सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस ये चैनल पता नहीं भाई कब तक है कब तक नहीं है, क्योंकि गाइस मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल हैक हो रहा है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन गाइस सब्सक्राइब कर लेना सेकंड चैनल को भी। अभी गाइस पहले ही बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वेपन रॉल की। तो अभी जो गन स्किन देख रहे हो किंगफिशर का, ये गाइस होने वाला अपना नेक्स्ट वेपन रॉल, ठीक है। इसमें गाइस सिंगल डैमेज और डबल पता नहीं एकदम बेकार सी चीज दे रखी है, जो कि गाइस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली, सबसे गंदा मुझे लगा। वैसे एनिमेशन तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई एट्रीब्यूट सबसे घटिया है। वैसे गाइस आप लोग क्या बताना, आप लोग निकालोगे कि नहीं, आपको कैसे लगा गन स्किन और कैसे लगा एटेबिस कमेंट के बताना। अभी गाइस बात कर लेते हैं M187 के इनक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, डेट क्या होगी अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले देख सकते हो गाइस ये जो रेड वाला देख रहे हो ये अपना टॉप होगा, इसमें मतलब सिंगल डैमेज डबल रेट ऑफ फायर दिया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको 3 ब्लूप्रिंट और 7 एवोल्यूशन स्टोन के एक्सचेंज में मिल जाएगा। भाई जो इसका एनिमेशन भाई सबसे खतरनाक लगा भाई, अब आज तक का सबसे खतरनाक एनिमेशन जो है इसी गन का है। और गाइस मेरे हिसाब से तो भाई आप लोग इसको निकालना जरूर, कितने भी डायमंड लग जाए मैं तो भाई इसको निकालने का ट्राई करूंगा, निकलेगा तो सही नहीं निकलेगा तो सही। वैसे गाइस मैं भाई शॉटगन तो बिना स्किन का भी सही चलती है, आप लोग बताना इनमें से कौन सा निकालोगे। ये नीले वाला का गाइस डबल रेंज है और सिंगल डैमेज है, मतलब नीले वाला ठीक है, मतलब हल्का सा रेंज है जो रेंज वाला बंदा, और रेट ऑफ फायर मतलब इसमें ना सारे बंदे के लिए अलग अलग है ना, जिसको रिलोड स्पीड चाहिए उसके लिए नंबर 4th वाला है, और जिसको रेंज चाहिए उसके लिए दूसरा है, जिसको रेट ऑफ फायर चाहिए, जिसको डैमेज चाहिए, सबके लिए अलग अलग है। देख सकते हो गाइस, मतलब ठीक है भाई सबके लिए अलग अलग गन बना रखी है, जिसको जो चाहिए ले सकता हो। और आप लोग बताना इनमें से कौन सा आपको पसंद है और कौन सा लोगे। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं कब तक आपको गेम के अंदर देखने मिलेगा। तो गाइस आपको मालूम है अभी हमारे में मतलब इंक्यूबेटर जो चल रहा है वो अभी कम से कम जनवरी के एंड तक चलेगा, तो उस टाइम गाइस आपको जैसे ही वो वाला जाएगा इंक्यूबेटर उसके बाद आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मतलब गाइस जैसे वो भी 32 अपडेट आएगा, अभी 31 आया था तो 32 आएगा, उस टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका गाइस डेट तो मैंने आपको बता दिया। अभी गाइस बात करते हैं अभी जो बंडल देख रहे हो ये गाइस अपना मतलब रिटर्न में आने वाला है बहुत जल्दी गाइस, ठीक है। कब तक आएगा वो अभी अभी वीडियो में आगे बता देता हूँ। तो गाइस ये अपना टॉप वाला होगा, जैसे आप सभी को मालूम है टॉप वाला, और ये मतलब सारे मतलब पूरा वेटर ही रिटर्न आएगा। तो ये आपको मतलब आएगा, तो इस टाइम कौन कौन से बंदे निकालेंगे एक बार कमेंट बताना भाई। मेरे तो सबसे पसंद ये वाला, मैं इतने नंबर 3 वाला गाइस मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, आप लोग बताना। ये गाइस इसका कंफर्म डेट होने वाला है, ये गाइस आपको जनवरी में देखने के लिए मिल सकता है, इसका गाइस कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये गाइस आपको जनवरी में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गाइस बहुत लीक निकल के आ रही है, कंफर्म नहीं है कि आपको देखने के लिए मिलेगा। लीक्स के मुताबिक आपको जनवरी के मतलब एंड में या फिर स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल सकता है, अभी नहीं मिलेगा। अभी गाइस मालूम है अभी आपको चल रहा है अभी क्रिसमस इवेंट, तो उस टाइम गाइस मतलब इसी टाइम आपको एक फेडरेट विल इवेंट आएगा, मतलब फेडरेट विल ही आएगा, जिसमें गाइस आपको चक्री घूमती है, और इसमें गाइस एक मतलब ये जो अभी देख रहे हो ये इसके अंदर रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताओ ये है क्या। ये गाइस अपना स्काइविंग का स्किन, ये गाइस अपना स्काइविंग का स्किन है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा मुझे भाई। इसका जो देख रहे हो भाई एकदम मतलब कोई भी बंदा लैंड करेगा इसके ऊपर से लैंड करेगा भाई, मतलब ये 933 डायमंड में आपको ये मिल रहा है। अगर आपका मतलब एंड में निकलता है तो 933 डायमंड आपके लगने वाले हैं। ये गाइस आपके 2-3-4-5 दिन में आपको गेम के अंदर अवेलेबल करा देंगे फ्री फायर वाले, क्योंकि गाइस क्रिसमस से पहले ये सब आ जाएगा आपको गेम के अंदर। और भाई बहुत सारी इवेंट्स आगे वीडियो में आगे बताने वाला, तो भाई वीडियो का कंप्लीट वॉच करना यार, आप लोग बीच में छोड़ देते हो स्किप कर देते हो तो भाई आपको नुकसान हो जाएगा। अभी गाइस नेक्स्ट क्या होने वाला है अभी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस अभी नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं जर्सी के बारे में। तो गाइस की सब बहुत सारी जर्सीज आपको देखने के लिए मिलेगी, 6 जर्सी और 6 इसकी पैंट है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हरी वाली जर्सी भी ठीक है, मतलब इतना भी मतलब जो पहली वाली जर्सी थी ना, मतलब जो एकदम मतलब प्लेन, उसकी भाई बात ही अलग थी। लेकिन गाइस अभी इनमें से एनिमेशन तो कुछ है नहीं, कलर वगैरह एकदम घटिया कर दिया, देख रहे हो गाइस एकदम घटिया। ये व्हाइट वाला भी ठीक लग रहा था, लेकिन इस पर रेड रेड कर दिया, देख रहे हो एकदम बेकार लग रहा है गाइस कसम से। भाई आप लोग बताना जो हमारी पुरानी वाली जर्सी आई थी वो ज़्यादा बढ़िया है कि ये वाली। मुझे तो भाई सबसे मतलब जो पहले वाली थी वही ज़्यादा बढ़िया लग रही थी, उसमें से गाइस इसमें सारे मिल जाए तो बढ़िया है। इसका पैंट मतलब ठीक लग रहा है, ये हरा वाले का पैंट जो है ना ठीक लगा मेरे को। और गाइस आपको गेम के अंदर जर्सी वाला अवेलेबल कराया जाएगा, अभी तो नहीं क्रिसमस एंड होगा उसके बाद आपको गेम के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। उसका एक लक रोल आएगा गाइस, और इसका कन्फर्म डेट नहीं है कि मतलब उस टाइम आपको देखने के लिए मिल सकता है, कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। जर्सी का गाइस कोई कन्फर्म नहीं होता कब आपको देखने के लिए मिल जाए गेम में। अभी गाइस बात कर लेते हैं अपने एंजेलिक रेड वाली पैंट के बारे में। इसका गाइस मेल और फीमेल दोनों का मतलब आएगा पैंट, तो कुछ
कुछ इस तरीके के इवेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आप बलून फोड़ते हो। तो मतलब इस तरीके के इवेंट में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा तक आपका बहुत सारे डायमंड खत्म होते हैं, तो ये वाला इवेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे गाइस रेड एंजेलिक पैंट जो है वो अभी मतलब ब्लू वाले की तरह मतलब उसका भी क्रेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जब ब्लू वाला था बहुत कम बंदे पे है और मतलब बहुत कम बंदों का निकला भी था, लेकिन कैसे उसका क्रेज़ जो है ना भी खत्म हो चुका है, बहुत कम पे है, तो इसका मतलब ये नहीं क्रेज़ है, मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा ऐसे इतना रेयर भी नहीं बोल सकते। अभी अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपर इवेंट के बारे में, तो कैसे नेक्स्ट टॉपर इवेंट में अगर आपको चप्पल मतलब ये वाले चप्पल के स्किन आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कैसे अभी बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है कि अभी टॉपर इवेंट पर ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कैसे अभी तक नहीं आ रहा है, मतलब डिले कर दिया जा रहा है, तो हो सकता है कैसे आपको नेक्स्ट टॉपर इवेंट पर ये चप्पल का स्किन देखने के लिए मिल जाए। 100 डायमंड पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कन्फर्म नहीं बता रहा है, लेकिन कैसे आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये आपको इस बार पिछली बार भी आने वाला था, लेकिन गाइस मतलब इसी बार आने वाला था गाइस, लेकिन आया नहीं, इसे डिलीट करके मतलब दूसरा वाला दे दिया, मतलब वो जो हमारा बैकपैक का स्किन दे दिया 300 डायमंड पे, भाई ये करी ना बुरा कर रही है यार, ये भाई वो चप्पल की स्किन को चाहिए, चक्कू का स्किन आप लोग बताना चाहिए कि नहीं आपको। अभी किस बात करते हैं मतलब नेक्स्ट ईवो गन के बारे में, तो गाइस नेक्स्ट ईवो गन में आपको गाइस ये वाला फार्मर्स का स्किन देखने के लिए मिलेगा, इसका एनिमेशन सब कुछ अभी मैं दिखाने वाला हूँ कैसा इसका इमोट होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना अभी इसका पहला लुक आपको कैसा लगा। ये गाइस लेवल 1 का है और जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था वो लेवल 7 का था, ठीक है, इसमें गाइस आपको 943 डायमंड लगने वाले, इसे निकालने में कब तक आएगा वो वीडियो में आगे बताऊंगा। गाइस देख सकते हो लेवल 2 पे कुछ ऐसा दिखेगा, लेवल 3 पे ऐसा दिखेगा, एंड गाइस लेवल 4 पे भाई मुझे फार्मर्स तो लग ही नहीं रही है, और लेवल 5 पे देख रहे हो गाइस इसका मतलब किल इफेक्ट ऐसा आएगा, और लेवल 6 पे इसका लेवल 6 पे क्या भाई क्या एट्रीब्यूट होगा इसका, कैसे एट्रीब्यूट से भी मालूम नहीं चला है इसका, कैसे न्यू लुक भाई एंड का भाई देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है भाई, एकदम सामुराई लग रहा है मुझे, कसम से बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका इमोट देख रहे हो मतलब हल्का बहुत ना उसकी तरह है, मतलब एक M10 और क्या बोलते हैं स्कार को थोड़ा मिक्सअप कर दिया है, आप लोग बताना कैसा लगा इसका इमोट। एंड कैसे अभी फाइनली बात करते हैं अपने मिस्टर शॉप के बारे में, तो कैसे एक लीक्स निकल के आ रही है कि आपको इस बार मिस्टर शॉप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 50-50 चांसेस निकल रहे हैं, लेकिन कैसे कन्फर्म डेट क्या होने वाले, कैसे आपको मिस्टर शॉप देखने के लिए मिल जाएगा 22 या फिर 23 तारीख को, ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, ठीक है, और इसका मतलब एक पोस्टर तो निकल नहीं आया, लेकिन भाई जितना आपको मालूम है पिछली बार जो आपका मतलब हेलोवीन इवेंट पे मिस्टर शॉप देखने के लिए मिल रहा था शायद वो डिले मतलब डिले कर दिया था, लेकिन कैसे हो सकता है वही वाला मिस्टर शॉप आपको इस बार देखने के लिए मिल जाए, और थोड़े बंडल चेंज वेंज हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। एंड कैसे फाइनली बात करते हैं अपने टू नाइट अपडेट के बारे में, मतलब आज रात का वो गेम के अंदर कौन कौन सी नई चीजें देखने के लिए मिलेगी, उसके लिए कैसे अपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, सब्सक्राइब कर देना। तो कैसे आज रात को गेम के अंदर मतलब ये वाला मतलब आज रात को नहीं सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में ये वाला इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, ये एक तरीके का वेब इवेंट रहेगा गाइस, इसमें अब फ्रीज ओवर नाम है इस इवेंट का, इसमें कैसे एक बंडल दिया जा रहा है ठीक ठाक, जिसमें गाइस आपको करीब करीब मतलब एंड मतलब 900 डायमंड में आपको बंडल निकल जाएगा, कन्फर्म आपको 900 डायमंड लगने वाले हैं, ये इवेंट अपना 14 से 20 तक चलने वाला है, ठीक है। एंड गाइस इसमें आपको इसमें हेयर का मतलब जो एनिमेशन निकलना मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, एंड गाइस चश्मा भी ठीक ठाक है, और इसका कपड़ा तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप लोग बताना कैसा लगा ये सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में मतलब वेब इवेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे गाइस वीडियो को यहीं कर देते हैं एंड पे एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।